Right, good morning everyone, welcome back to another vlog. Time हुआ है 4:30 सुबह के. आज travel day है and I'll let you know on the way मैं कहाँ पे जा रहा हूँ. I hope आपको ये vlog पसंद आएगा. Stay tuned guys. मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, सब लोग तैयार हो रहे हैं. गाड़ी में नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ सेटअप. मेरा गाड़ी नहीं है but I hope you enjoy this. ये रही आज की सवारी. अब इसमें बहुत सारा सामान एडजस्ट कर रहे हैं. ये भी है मेरे पीछे, इफ यू कैन सी. ओके गाइस, इफ यू कैन सी, बूट तो पूरा भर गया अपना. और एक बैग यहाँ पे भी एडजस्ट किया है. ये कल दूध कैंसिल करना रहेगा हमारा, तो ये कैमरा बैग है. और ये नीचे यहाँ पे एक गाड़ी का नंबर देख के तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं. अ लिटिल बिट ऑफ रीएडजस्टिंग, रीशफलिंग. कूल बोल गणपति बप्पा मोरे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. पाच वाजून 20 मिनिट अराउंड लाऊ का कनको राहू बघा कसं आहे. ऑलराइट गाइस, जस्ट टू लेट यू नो, वी आर ट्रॅव्हलिंग टू भुसावळ. भुसावळ इंदिवली. हाँ, मेरा ससुराल है वहाँ पे. इस माय फादर इन लॉ आपने पिछले वीडियो में देखा है, पीछे नेहा एंड मदर इन लॉ. सो अभी सनराइज होने के बाद वील टॉक. ऑलराइट, अभी प्रॉपर तरीके से गुड मॉर्निंग. द रोड वी आर गोइंग टू टेक इज अपना वागोली से, वागोली फिर शिकरापुर रंजनगांव, उसके बाद नगर औरंगाबाद, औरंगाबाद से अजंता का घाट, उसके बाद फरदापुर. राइट, फरदापुर. और फरदापुर के बाद जामनेर एंड देन संगम भुसावळ. राइट, इज अराउंड आई थिंक 16-17 होगा शायद बाहर, बट अच्छा है, प्लेजेंट है. मैं पुणे में भी दोपहर में बहुत गर्म होता है. एस के घोड़ा को जो ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम और काफ़ी अच्छा है ये. दादा अपन कुठले गाव जाता है? दरेकरवाडी ना है. सरसवाडी गाव. अच्छा अच्छा. आणि तुमचं नाव काय? विनायक केम. अच्छा, छान झालं आहे. चलो अभी आराम से जाते हैं आगे चाय खत्म करके, क्योंकि टाइमिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टेंट. टाकता का वापस? नहीं नहीं, जाऊ दे, त्याला नहीं घेऊन जाऊ देने तरी काम आपल्याला. गाइस लुक एट दिस एसोल, स्वामी टूर्स एंड ट्रेवल्स. क्या मजाक लगा रखा है यार, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है. क्या बोलने का. ये देखो इस गधे को, टेम्पो ट्रैवलर वाला. वाह वाह वाह. सबको घाई पड़वा, चला मारें तो ब्रेक. वाओ शिकरापुर. ओके फाइनली रंजनगांव. 7:05 कम है गणपति मंदिर यहाँ से अंदर. ओके नगर इज समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर. और सिंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे सामने से धूप आ रहा है, बहुत तकलीफ है. आज थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो 2 घंटे में पुणे से नगर अभी पहुँच जाता है. आज कम से कम 2.5 घंटा लगेगा. एक्चुअली 2.5 घंटा हो गया. अभी और 30 किलोमीटर बाकी है. नगर सिटी में नहीं जाने वाले, वहाँ से बाईपास जाएंगे 11 किलोमीटर. फिर आई थिंक नगर के बाद यू आर सेइंग औरंगाबाद, संभाजीनगर. हाँ संभाजीनगर, नया नाम संभाजीनगर तक का रोड और लेनी है 110-115 किलोमीटर. मतलब ट्रैफिक थोड़ा कम रहेगा. Oh.
गाइस ईवी चार्जिंग स्टेशन ये बोर्ड के पीछे गया। नहीं तो ये ट्रक्स के चक्कर में। अच्छा थामाए तो थे ना क्या आपने? कुछ खाते हैं अभी यहाँ पे होटल नील, सुबह से कुछ खाया नहीं है एक्चुअली, कोई सोया भी नहीं है, हम लोग रात को डायरेक्टली निकले। हाँ चले ना, हाँ चले ना, कहे गए फेमस मिसल होटल नील का, आई डोंट नो व्हाट इट लुक्स, करी वगैरह सॉलिड है एकदम। नाइस फॉर अ चेंज। ऑलराइट अच्छा था, खाली पाओ कल का था शायद। ओके खाना हो गया है, चलो चलो मैगी बुट लो बार कुछ लो मैगी जाओ जा तीते तेरी कोनी नहीं है। यहाँ से शिरडी 70 किलोमीटर सीधा सीधा राइट टर्न अभी संभाजी नगर। नाइस ये वही बाईपास है, बाईपास है अभी, यहाँ से अहमदनगर सिटी में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से बाईपास, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अहमदनगर। और ये शनि शिंगणापुर, शनि शिंगणापुर यहाँ से 35 किलोमीटर होगा शायद, यही से यही से। ओके शनि शिंगणापुर का खासियत है कि वहाँ पे वहाँ पे दरवाजे नहीं होते घरों को, आज भी घर नहीं, दुकान नहीं, बैंक नहीं, किसी बात चोरियां होती नहीं है वहाँ पे। ये घोड़ेगांव करके गांव है नगर से 20-25 किलोमीटर, यहाँ से शनि शिंगणापुर 5 किलोमीटर लेफ्ट में। यस और देवगढ़ मतलब हापुस वाला नहीं नहीं दत्त महाराज। ओके वहाँ पे फेमस टेम्पल है वहाँ पे देवगढ़ करके, लेकिन शनि शिंगणापुर तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ऐसे ही एक विलेज होगा या गांव होगा, किसी घर को दरवाजा नहीं वहाँ पे, ना किसी शॉप को नहीं है, ना किसी घर पे नहीं है, शनि देव का मंदिर है वहाँ पे। एंड एवरीवन वेलकम टू द सिटी ऑफ गेट्स छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ से बीबी का मकबरा करीब है 2 किलोमीटर। हाँ यू आर टेलिंग मी कि इट इज ऑल्सो मस्ट विजिट प्लीज, बहुत ही अच्छा है मतलब प्रति ताजमहल राइट। एंड इफ यू कैन सी दिस श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज आई थिंक म्यूजियम है, हाँ संग्रहालय। अभी ये वाला गेट देखो गाइस, दिल्ली दरबार होगा, दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा हिस्टोरिकल है वैसे। डिझेल आहे पण डेड गेले आता, आता पंप किती लांब आहे पुढचा? पंप 3 किलोमीटर। कुठे? अजिंठा। पण लाईट असेल का? हा मग तिथं ते मोठं शहर आहे, गाव आहे मोठं। हा क्या बात, लाईट है किती, डिझेल आहे हा जरा जरा। अजंता घाट में है अभी, उतर रहे हैं, यहाँ से पूरा उतर नहीं है, आधे समय चढ़ना पड़ता है इसमें।
Okay guys, if you can see buses, electric buses और यहाँ पे पूरा वो parking है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। और अबे अजंता लेनी लिखा है, अजंता केव्स, अजंता जंक्शन, गेस्ट हाउस वगैरह वगैरह। खाना खाने के लिए रुकेंगे गाइज, ये राधे कृष्ण रेस्टोरेंट है। अभी काम करते हैं, अंदर जाके बात करते हैं। मैंने मंगाया है पनीर भुर्जी ग्रेवी, मतलब मसाला में थोड़ा सा, और वेज कोफ्ता, कोफ्ता करी, नॉट मलाई कोफ्ता। यहाँ पे तो एक गजर नाम का एक नॉन वेज का फेमस बनाया था साल पहले, अभी बोल रहे थे बंद हो गया है। बुलढाणा, औरंगाबाद, जलगांव, यहाँ से वो खाना खाने आते थे। अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी आदमी जलगांव में आया बाप रे। और कितनी पहले ही बताया, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, थैंक यू। लेट्स ट्राई वो पनीर मसाला वाला भुर्जी, नान कुछ ज्यादा ही बड़ा है साइज में हो ना, मुस्कुराइए, आप खानदेश में है। पनीर भुर्जी इज नाइस, गरम है। कोफ्ता करी, नाइस, अच्छा है। खीचा इज अच्छा खासा तीखा, काय म्हणतो कसं वाटतंय? चांगलं आहे ना, तुझं काय म्हणणं आहे? भाई मस्त खाना हुआ, आखिरी के 50-60 किलोमीटर बाकी है। और बस इतना बोलना था कि मान गया यार इस ढाबे को, मैंने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ढाबे देखे, बट एब्सोल्युटली कोई भी ढाबा पूरा साबुन नहीं देता है, लिक्विड हैंड वॉश अपने बेसिन के यहाँ पे। ये लोग फर्स्ट में सब लोग पानी डालते हैं उसमें, ऐसा पतला पतला कर देते हैं। यहाँ पे यार अच्छा क्वालिटी का था, मान गया मैं। अभी वो चाहिए था पीट का, वेंटिलेटेड सीट्स। ओह मैन शिट, यू का ओ, तो ये है सेंट लोशियस। ओके, बंडू किधर है? सामने। ओ बंडू वड़ा पाव, नाइस। गाड़ी रहिए बस, कल जाएंगे इसके पास, ये ना कल बंडू के पास जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है वो यहाँ पे भुसावल में यूथ का सबसे फेवरेट वड़ा पाव है, और पुराने लोगों को वो दूसरा वाला पसंद है, घासीलाल। लेट्स सी, आप कौन सा पहले देखना चाहते हो बता दो, क्योंकि मेरे पिछले दो वीडियोस को, एक तो वो डायमंड क्रॉसिंग वाला भुसावल का, और सेकंड थर्मल पावर स्टेशन का, मुझे मतलब लगा नहीं था इतना अच्छा आप लोगों ने प्रतिसाद दिया है ना, खानदेशी पीपल, थैंक यू, दिल से थैंक यू। अच्छा मैं गाड़ी चलाने वाला था लेकिन मैंने नहीं चलाया, मैं देखो फुल नींद और पूरा अवतार में, सो थैंक यू डैड, इन्होंने ही चलाया पूरा, और अच्छा चलाया बहुत, मतलब थके नहीं, क्योंकि इनका भी नींद हार्डली आधा पौना घंटा, एक घंटा मैक्स हुआ है, बट यू आर अ गुड ड्राइवर, यू आर अ ग्रेट ड्राइवर। ऑलराइट, विद दैट सेड, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। यहाँ तक जिन्होंने देखा है प्लीज लाइक कर दो, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, जय हो, जय खानदेश, जय खानदेश।